विपक्ष भले ही बजट पर सवाल उठा रहा है और बवाल काट रहा है, लेकिन बजट में सभी वर्गों का भरपूर ख्याल रखा गया। योगी आदित्यनाथ की बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों, कामगारों को साधने की कोशिश की गई है। बजट में सरकार ने युवा उद्यमियों के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप में सरकार ने 20 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के लिए 984 करोड़ 54 लाख, किसान पेंशन योजना के लिए 7,248 करोड़, यूपी मिलेट्स कार्यक्रम के लिए 55 करोड़ 60 लाख, अन्नपूर्ति योजना के लिए 21,791 करोड़ से ज्यादा की व्यवस्था प्रस्तावित है। हेल्थ सेक्टर में योगी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए सरकार ने 12,631 करोड़ का प्रस्ताव किया है, तो आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 1,655 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। योगी सरकार ने बजट में युवाओं के लिए भी खास प्रावधान किए हैं। 2 करोड़ छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़ का प्रस्ताव किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी सरकार ने 1,000 करोड़ के बजट प्रस्तावित किए हैं। समाजवादी पार्टी ने बजट पर सवाल उठाते हुए उसे दिशाहीन बताया। और योगी सरकार ने बजट पेश होने के बाद कभी भी ये समीक्षा नहीं हुई कि जिन वर्गों के लिए बजट आवंटित हुआ है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। योगी सरकार 2.0 ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। इस साल का बजट 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का है, जो पिछले साल के बजट के मुकाबले करीब 75,000 करोड़ रुपए अधिक का है। 6,90,242 करोड़ 43 लाख के बजट में जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए गए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर महिला, शिक्षा, किसान, युवाओं समेत तमाम सेक्टर्स के लिए सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया। योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का। बजट में सभी वर्गों और सभी सेक्टर्स का संतुलन देखने को मिला है। मसलन हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। वाराणसी गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,631 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सड़क और पुल निर्माण के लिए 21,159 करोड़ 62 लाख रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1,050 करोड़ रुपए, यूपी आईटी और स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपए, डिफेंस कॉरिडोर योजना के लिए 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पूर्वांचल में विशेष योजनाओं के लिए 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसान समृद्धि योजना के लिए 102.80 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। सरकार का दावा है कि यूपी का ये बजट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एक तरफ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शायराना अंदाज में बजट पेश कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय विधानसभा में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव काले रंग की शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचे, अखिलेश के साथ ही सपा के कई दूसरे विधायक भी शेरवानी पहने विधानसभा पहुंचे। किसी ने अखिलेश की तरह काली शेरवानी पहनी थी तो किसी ने नीली और सफेद शेरवानी पहनी थी। इसके बाद इस ड्रेस कोड को लेकर कई मायने निकाले गए। पहले तो खबर आई कि आजम खान के समर्थन में सभी नेताओं ने शेरवानी पहनी है। भाई आजम खान जी शेरवानी पहन के आते थे, वो बेचारे सदस्यता खत्म हो गई, तो अब उनकी शेरवानी कौन पहनेगा, तो सपाइये लोग न पहनेंगे। हालांकि राजभर की आशंकाओं को खुद अखिलेश ने खारिज कर दिया। ये याद और वो तो अपनी तरफ से राजनीति फैला रहे हो। समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं से इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे आजादी के आंदोलन से जोड़ दिया। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो शेरवानी पहनते हैं। अभी देखिए राजेंद्र प्रसाद जी है, वो शेरवानी पहनते थे। उसके बाद आपके नीलम संजीवा रेड्डी जी शेरवानी पहनते थे। विधानसभा में शेरवानी का रहस्य खुद सपा अध्यक्ष ने खोला। और ये विरोध नहीं है, ये कपड़े पहन के इसलिए जा रहे हैं कि कम से कम हम शरीफ लोगों को भी कुछ दे देंगे। विपक्ष के इस नए ड्रेस कोड को भाजपा ने स्टंट करार दिया और वर्ग विशेष को संतुष्ट करने का आरोप लगाया। सर्दी जा चुकी है, शेरवानी पहन के भी एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने के बाद प्रदेशवासियों के लिए एक ऐसा ऐलान कर दिया जो आने वाले दिनों में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। होली से पहले सीएम योगी ने राज्य में फ्री एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया। सरकार नई योजनाओं का विस्तार करते हुए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली और होली पर एक एक एलपीजी का सिलेंडर फ्री में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने बकायदा 3,047 करोड़ 48 लाख रुपए इस बजट में प्रावधान भी कर दिया है। जो प्रदेश के अंदर 1,74,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें दीपावली और होली पे उज्ज्वला योजना का एक एक एलपीजी का सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत 1,74,00,000 लाभार्थी है। होली पर सिलेंडर देने में सरकार 3,000 करोड़ खर्च करेगी।
जाहिर है भाजपा ने विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली और दीपावली पर निशुल्क सिलेंडर देने का ऐलान किया था। उसी वादे को होली पर पूरा करने की तैयारी है। तकरीबन 7 लाख करोड़ के भारी भरकम बजट को सत्ता पक्ष ने यूपी के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। सीएम योगी ने बजट को उत्तर प्रदेश के सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव बताया है। साथ ही बताया है कि पिछले 6 साल में प्रदेश का बजट दोगुना हो चुका है, जो विकास को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट न्यू का पत्थर साबित होगा। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को सभी वर्गों के लिए हितकारी और समावेशी बताया है। सभी क्षेत्रों के लिए व्यवस्था की गई। योगी सरकार के बजट में इस बार महिला एवं बाल विकास विभाग पर खास फोकस किया गया है। सरकार ने बजट में प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के लिए खजाना खोल दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुमंगला कन्या योजना है, या गर्भवती और धात्री महिलाओं की योजना है, या निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने की बात है, सब में उन्होंने बजट का ज्यादा से ज्यादा प्रावधान किया है। वहीं सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने बजट को ऐतिहासिक और यूपी के विकास का मॉडल बताया है। कृषि विभाग से जुड़े होने के कारण सहकारिता के क्षेत्र में भी अच्छी उपलब्धियां आएंगी। जाहिर है सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखने के लिए साथ साथ 2024 को भी ध्यान में रखा है। यूपी सरकार ने 6.90 लाख करोड़ रुपए का मेगा बजट पेश किया है, लेकिन विपक्ष को इस मेगा बजट में कमाल नहीं बल्कि केवल सवाल दिखता है। योगी सरकार के अब तक के सबसे बड़े बजट को अखिलेश यादव ने दिशाहीन करार दिया है और कहा है कि सरकार ने किसानों और जवानों को बजट में निराश किया है। 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। इधर बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर योगी सरकार के बजट को अवास्तविक बजट बताया है और पूछा है कि ऐसे बजट से भारत का ग्रोथ इंजन बनने का दावा कैसे पूरा होगा। कांग्रेस ने भी सरकार के बजट को मुंगेरी लाल का हसीन सपना बताया है और इसे जनता के साथ छलावा का नाम दिया है। तो ना ही किसानों के लिए है, ना ही नौजवानों के लिए है और ना ही महिलाओं के लिए। सियासी वार पलटवार के बीच सुभाषपा अध्यक्ष ने सरकार के बजट को सराहा है और उल्टे विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है। सोच सबकी अपनी अलग अलग है। जब सत्ता में लोग रहते हैं, जैसे विपक्ष जब सत्ता में थे तो वो भी बजट पेश करते थे, तो वो अपने बजट को भारी भरकम बजट बताते थे। जाहिर है बजट पर विपक्ष का बवाल सियासत की पुरानी रवायत है। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने बसपा सांसद को खुला ऑफर दिया है। बलिया में एक शादी समारोह में शामिल होने गए शिवपाल यादव ने पहले तो सभी पुराने समाजवादी साथियों को सपा में शामिल होने की अपील की। जो पुराने हमारे जितने भी समाजवादी हमारे साथ भी रहे हैं, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे हमारी पार्टी, लेकिन जब उनसे गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी के बारे में पूछा गया तो सुनिए शिवपाल यादव ने क्या कहा। नहीं, अफजाल के लिए भी खुले हैं। बिल्कुल अफजाल के लिए। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या अफजाल अंसारी साइकिल पर सवार होने वाले हैं। भाजपा ने शिवपाल के बयान पर तंज कसा है। ये तो शिवपाल जी ने खाली एक चीज आज बोली है कि हमारा चाल चरित्र और चेहरा क्या होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा मुस्लिम वोटों को समेटने के लिए और बसपा से निपटने के लिए पार्टी ऐसा दांव चल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि साल 2016 में अंसारी परिवार की पार्टी कौमी एकता दल के सपा में विलय के साथ ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद राजनीति में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की राह अलग हो गई थी और अब जबकि लंबे वक्त बाद शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ हैं तो फिर अंसारी परिवार से करीबी के संकेत दिए हैं। अप्रैल के महीने में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है जिसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई है। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, ऐसे में गंगोत्री धाम में बर्फबारी की तस्वीर भी सामने आई। चारधाम यात्रा के लिए महज 2 महीने बचे हैं। अप्रैल के महीने से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में गंगोत्री धाम में बदलते मौसम की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। बर्फ की सफेद चादर में ढका गंगोत्री धाम में तापमान में गिरावट आई है तो वहीं चारधाम की यात्रा को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। आगामी अप्रैल माह से चारधाम यात्रा शुरू होगी। चारधाम यात्रा को लेकर सड़क, पानी, स्वास्थ्य, विद्युत, दूरसंचार जैसी सुविधाओं को सुगम बनाने के लिए प्रशासन व्यवस्थाओं की तैयारी में जुटा हुआ है। तैयारी कर ली है, जैसे सड़कों का टूटा फूटा उसको सही कराना, मैंने पर्यटन विभाग को बोला गया कि वो भी अपने संबंध की तैयारी कर लो और मैं जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मैं स्वयं भी गंगोत्री जाऊँगा
और जो भी व्यवस्थाएं उनका जायजा लेंगे। एक तरफ जोशीमठ में आई दरारों ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जोशीमठ में अभी तक दरारों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में शासन प्रशासन चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए पहले से ही युद्ध स्तर पर जुट गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।